क्या कहूँ, आँखों ने तू ही जीने का मतलब कह दी। ना चले क्या फिकर, तू चले खूबसूरत सफर तेरी राहों। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ वो लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप का जो 3D वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों देखो, आप उड़िया यूजर तो उड़िया में बना सकते हो, हिंदी यूजर तो हिंदी में बना सकते हो। मैंने दोनों का प्रेशन लिख दे दिया, अलग अलग है। आप वहाँ जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है, मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा प्रेशन लिख, आपको वहाँ पर जाकर आपको डाउनलोडिंग करने का है। उसे आपको क्या करना है, अपना एलर्टमेशन ओपन कर लेना है। अपना एलर्टमेशन ओपन करके आपको आ जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के ऊपर में देख रहा हूँ, मैंने देखो चार जो प्रेशर इनपुट किया, संबलपुरी यूजर के लिए ये वाला और हिंदी यूजर के ये वाला। ओके, टोटल आपको चार प्रेशर मिल जाएगा, हिंदी वाला दो और संबलपुरी सॉरी उड़िया वाला दो। ओके, तो आप उड़िया यूजर तो उड़िया वाला जो प्रेशर है आप यूज करना, और हिंदी यूजर तो हिंदी वाला प्रेशर आप यूज करना। ओके, तो पहले हिंदी वाला बताते हैं आपको क्या करना है। तो देखो पहले हिंदी रिलकाल इस तरह आपको ओपन, रिलकाल और प्रेशर जो फुल प्रेशर आपको इस तरह इनपुट करना है। करने के बाद आपको हिंदी रिलकाल इस तरह आपको ओपन करना है। ओपन करने यहाँ आपको सेलेक्ट ऑल करना है, सेलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ पर कॉपी नाइन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको बैक जाना, बैक आने के बाद क्या करना, आपको हिंदी फुल प्रोजेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह आपको क्लिक करना है, लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आपको सिंपल सा पेस्ट करना है। उसे कैमरा ऑन करके देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर अपना फोटो ऐड करना है और कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पर आपको फोन ऐड करना है और आपको अपना फोटो ऐड करना है। तो इस तरह स्टार्टिंग में आ जाना है, नीचे पहले आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो फोन मिलेगा, जो टेक्स्ट मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना, एडिट टेक्स्ट पर जाना है, और यहाँ पर जाकर आपको व्यू ऑल फोन पर क्लिक करके फोन का लिंक मिल जाए मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाकर आपको इस तरह इनपुट पर क्लिक करके अपना गैलरी से आपको फोन को ऐड करना होगा। ओके, इसी तरह ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद बैक जाना है और यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना। इस तरह आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, टोटल आपको चार फोटो ऐड करना है। इस तरह आपको मीडिया में जाना है, आपको डिमो देखने कोई भी एक फोटो यहाँ पर हम उठा लेते हैं। ओके, तो ये वाला फोटो हम यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद उसका लेंथ को आपको क्या करना, लास्ट तक रखना होगा। ओके, लास्ट तक रखना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, पहले वाला फोटो को आपको चेंज करना है। तो इस तरह स्टार्टिंग में आ जाना है, नीचे आ जाना है, कहाँ पर आपको येलो कलर का फोटो है, तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक देना, मोर ट्रांसफर क्लिक करके जेड ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इस तरह ऊपर में आपको कर लेना है। ओके, एक भी एक तरीका है, यहाँ पर इस तरह कर लेना है। देखो फोटो के पीछे आपको रखना है, देखो फोटो के पीछे चला गया, थोड़ा ऊपर लाएंगे और उसके बाद जूम वाला ऑप्शन क्लिक करके इस तरह जूम कर लेना है। ओके, पहले वाला फोटो के बराबर आपको इस वाला फोटो को रखना है। ओके, यहाँ पर क्लिक करके एक्स वाई पर क्लिक करके इस तरह आपको यहाँ पर रख लेना है। दोनों फिंगर से पकड़ के भी इस तरह आप सेट कर सकते हो। ओके, इसी तरह आपको फोटो जो चेंज कर लेना है, और पहले वाला फोटो को आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और पहले वाला फोटो इस तरह क्लिक करके डिलीट कर देना है। और भी एक तरीका, फोटो ऐड करना है, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है, कलर फिल्ड में जाना है, पीएनजी में जाना है, और डायरेक्ट यहाँ से फोटो भी ऐड कर सकते हो। तो आपको डेमो देख ले, कोई भी एक फोटो यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो इस वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे, देखो यहाँ पर ऐड हो गया। तो थोड़ा आपको आगे चले जाना है, कहाँ पर आपको इस वाला फोटो देख लेना है। ओके, इस तरह आपको आगे चले जाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर फोटो ऐड हो गया, थोड़ा कुछ आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। इस तरह आपको छोटा बड़ा अपने हिसाब से करके यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह आपको फोटो वगैरह आपको चेंज कर लेना है, और यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलो संबलपुरी को बताते हैं। ओके, तो उसके बाद वो क्या करना, संबलपुरी भी रिलकाल आपको सेम प्रोसेस करना है। संबलपुरी सॉरी जो उड़िया यूजर है, यहाँ पर संबलपुरी लिख दिया मिस्टेक से, उड़िया संग से उड़िया यूजर, तो आपको क्या करना, उड़िया जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा संबलपुरी इस तरह, तो यहाँ पर क्लिक करना, सेलेक्ट ऑल करना है। ओके, सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस आपको कॉपी कर लेना है, 22 कॉपी लेयर करना है, और उससे आपको क्या करना, बैग आना, और आपको यहाँ पर संबलपुरी जो लिखा होगा मिलेगा, रिलकाल संबलपुरी फुल प्रोजेक्ट इस तरह आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, और सेम प्रोसेस आपको फोटोग्राफी जैसे चेंज किए थे वैसे ही आपको चेंज कर लेना है, और यहाँ पर जाकर आपको वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके,
सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।